अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो नहीं सही है सेंटर से हम आज लाहौर में हैं। पहली बात तो ये है कि आज लाहौर में बड़े दिनों बाद धुंध छटी है, बारिश हुई है, और इस बारिश में जो आपने देखा कि जो खूबसूरत मौसम हुआ उसमें जो डेंगू के मच्छर थे उनमें भी कमी आई है और बीमारियों से भी कमी आई है, नज़ला ज़ुकाम भी कम हुआ है, और जरदारी जैसी बीमारी और जो सनाउल्ला और अता तारड यहाँ पर बैठे हुए थे उनको भी आज इस अच्छे मौसम में इस्लामाबाद वापस भागना पड़ा है। और ये वो कह रहे थे कि पंजाब में अगर ना तब्दीली लाए तो हम अपना नाम बदल देंगे, तो आज हमने उन्होंने तो अपना नाम पता नहीं क्या बदलना है, हमने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। चुन्नू मुन्नू आज जिस तरह भागे हैं यहाँ से वो आपके सामने जो है वो आपने देखा। मैंने कहा कि वो जरदारी साहब और ये लोग जो हैं ये पंजाब के इख्तदार तो नहीं ले जा सके, रास्ते में मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ज़रूर लेके जाएंगे। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तहरीक इंसाफ के उन मेंबरान को जिनको अरबों करोड़ों रुपए की ऑफ़र्स की गई उन्होंने उसको ठुकराया, प्रेशर्स डाले गए, अननोन कॉल्स गई उन्होंने उसको ठुकराया। और ये एक पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक वाकया है कि इतना बड़ा जो मैंडेट है वो मिला और तमाम लालच को लोगों ने जो है वो मुस्तरद किया। इंशाल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं, अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं, हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया। थी अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज हमने एक दफ़ा फिर पंजाब असम्बली में अपनी अददी बढ़तरी साबित कर दी है, अब मुस्तकबिल की सब बंदी करनी है, अब आवाम को फैसला करना है कि वो मुल्क की कयादत किसके हाथ में देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें पर पूरा एतमाद है कि वो इमरान खान के मिशन को आगे लेकर चलेंगे और जो इमरान खान की जानिब से कहा जाएगा उसको भी उस पर एतमाद का इजहार करेंगे और उसको अपना